नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द लाइफ इंश्योर मनी विताल नाथ यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत। आज मैं इस चैनल पे कवर करने जा रहा हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ कैसे यूज करते हैं। यूरोप में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने के लिए लोकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क समझना जरूरी है और कौन से पब्लिक ट्रांसपोर्ट साधन मतलब कि ऑप्शंस अवेलेबल है वो जानना। मैं इस वीडियो में आपसे जर्मनी की जानकारी शेयर कर रहा हूँ, पर अगर आप बाकी यूरोपियन देशों में चाहते हो तो वहां भी आपको लगभग समान ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे कौन से पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस अवेलेबल है? पहला है यूबान। यू मीन्स अंडरग्राउंड, बान मतलब ट्रेन्स, अंडरग्राउंड ट्रेन्स सादी भाषा में मेट्रो। दूसरा है बस और तीसरा है ट्राम जो म्यूनिक सिटी एरिया कवर करते हैं। माने कि अगर आपको म्यूनिक सिटी एरिया में कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट करना हो, कहाँ पे भी पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना हो, तो आपको यूबान, बस और ट्राम ये ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। फिर है एसबान, जिसमें अभी मैं बैठा हूँ और ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। सब अर्बन फास्ट ट्रेन्स एंड एक्सप्रेस बसेस जो कि म्यूनिक और आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स कवर करेंगे। समझ ले आप म्यूनिक सिटी एरिया से कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाना चाह रहे हो, म्यूनिक का आउटसाइड रीजन, तो आप एसबान ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर कोई जगह पे एक्सप्रेस बसेस भी अवेलेबल होती है। और फाइनली है रीजनल ट्रेन्स जो म्यूनिक जो बवारिया स्टेट में है वो म्यूनिक सिटी को बाकी सिटीज और आसपास के गांव से कनेक्ट करते हैं, ऑफकोर्स दूसरे दूर गांव से भी। दोस्तों समझ लो कि आप जर्मनी आए हो या म्यूनिक आए हो और आपको इस जगह की बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कैसा यूज़ करना है, तो आप जहाँ कहीं भी हो, समझ लो एयरपोर्ट पे हो, सेंट्रल स्टेशन पे हो या फिर कोई भी बस स्टेशन पे हो, आपको वहाँ पे ऐसा एक इंफॉर्मेशन बोर्ड मिलेगा जहाँ पे आपको उस शहर के बारे में, जैसे यहाँ पे मैं म्यूनिक के बारे में बता रहा हूँ, आप ऐसा एक मैप दिखेगा। इस बोर्ड पे आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, जब भी हमने पहले बताया कि एस स्टैंड्स फॉर श्नेलबान, फास्ट ट्रेन्स, अंडरग्राउंड ट्रेन्स, रीजनल ट्रेन, देन बस एंड देन एक्सप्रेस बसेस। अगर आपको और डिटेल में जानकारी चाहिए हो तो आप सिटी मैप के तरफ भी मुड़ सकते हो। अभी मैं थोड़ा आपको इस मैप के बारे में डिटेल में बताऊँगा कि आप कैसे पॉइंट ए से पॉइंट बी जा सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये पिन दिखा रही है कि मैं अभी फ़िलहाल किस स्टॉप पे हूँ, सो दिस इज़ माय स्टार्टिंग पॉइंट, और समझ ले कि मुझे अभी सिटी सेंटर जाना है, राइट। तो म्यूनिक का सिटी सेंटर है हाउपबनहॉफ, या फिर बहुत से लोग मरीन प्लांट्स जाते हैं जो एक शॉपिंग स्ट्रीट है, शॉपिंग एरिया है। तो अगर मुझे हाजनबर्गल से मरीन प्लाट्स जाना हो तो मैं कैसे जा सकता हूँ, ये यहाँ से भी जान सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें मरीन प्लाट्स अगर मेरे को जाना है तो यहाँ पे दो लाइन जा रही है, एक ब्लू कलर की और एक ऑरेंज कलर की, बट ब्लू कलर की आप देखें तो दूसरे डायरेक्शन में जा रही है तो वो अपने काम की नहीं है। सो मुझे मरीन प्लाट्स जाना है तो मैं ऑरेंज लाइन को फॉलो करूँगा जो यहाँ से शाइट प्लाट्स, और शाइट प्लाट्स के आगे से देखे जाएंगे तो ये दूसरे डायरेक्शन में मूव हो रही है, बट हमें तो वहाँ नहीं जाना, हमें यहाँ से आएंगे। तो हम क्या करेंगे कि ये रेड लाइन फॉलो करेंगे, राइट, और जो शाइट प्लाज एक सेंटर पे आएगी और यहाँ पे आप रेड लाइन को छोड़कर ऑरेंज लाइन में बैठोगे और वो आपको मरीन प्लांट्स लेके जाएगी। अगर आप देखें कि हर एक लाइन को एक नंबर दिया गया है, रेड लाइन इज़ U2, तो यहाँ पे हम जब कम्युनिकेशन करते हैं या मैं किस कौन सी ट्रेन पकड़ने वाला हूँ तो बोलूँगा मैं U2 से आ रहा हूँ, U2 से आ रहा हूँ, तो मैं U2 से जाऊँगा शाइट प्लाट्स, और शाइट प्लाट्स से मैं लूँगा U3। U3 क्यों? क्योंकि ऑरेंज कलर आप अगर फॉलो करोगे तो आपको दिखेगा वो है U3। जैसा कि आप देख सकते हैं पब्लिक नेटवर्क डिवाइडेड है 7 जोन में, म्यूनिक सिटी एरिया जो जोन M में आता है और म्यूनिक एयरपोर्ट जो आपको राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे दिखेगा जोन 5 में आता है। टिकट निकालते वक्त जोन का पता होना बहुत ही जरूरी है। एडिशनली आपको इंफॉर्मेशन बोर्ड पे ये भी पता चल जाएगा कि कितने टाइप्स के टिकट्स अवेलेबल है और जोन वाइज वो टिकट कितनी महंगी होती है।
और हाँ, जो भी लोकल ट्रेन स्टॉप पे आप होंगे वहाँ पे आपको एक लोकल एरिया मैप भी मिल जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से एग्जिट से अगर आप निकलोगे तो कौन से डायरेक्शन की बस आपको मिल सकती है। अभी मैं आपको ये दिखाऊंगा कि आप गूगल मैप से कैसे पॉइंट ए से पॉइंट बी जा सकते हैं। तो मैंने अपनी गूगल मैप ओपन करके रखी हुई है, तो समझ ले कि अभी मैं म्यूनिक एयरपोर्ट पे हूँ, म्यूनिशन फ्लूगाफेन, फ्लूगाफेन एयरपोर्ट, और वहाँ से मुझे जाना है समझ ले यूनिवर्सिटेट, म्यूनिक यूनिवर्सिटी। तो मैंने अपना स्टार्टिंग पॉइंट रखा है म्यूनिक फ्लूगाफेन और मुझे एंड डेस्टिनेशन है यूनिवर्सिटी। सो आप जैसे देखेंगे मुझे ये ऑप्शन आ चुका है। अगर मैं पीछे जाऊँगा तो मेरे को मल्टीपल ऑप्शन दिखेंगे। तो मैंने फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट किया तो यहाँ पे दिखाएगा कि म्यूनिक एयरपोर्ट से मुझे S8 पकड़नी है, जो कि हेरशिंग डायरेक्शन में जाने वाली है। सो बेसिकली ये जो हेरशिंग लोकेशन है, या फिर आपको कोई भी ट्रेन नंबर के आगे जो एक नाम दिखेगा वो बेसिकली डेस्टिनेशन होता है कि किस डायरेक्शन में वो ट्रेन जा रही है। सो मुझे म्यूनिक फ्लूगहाफन से S8 पकड़ना है टूवर्ड्स हेरशिंग, और जो आगे 12 स्टॉप के बाद मरीन प्लांट्स पहुँचेगी, एंड इट विल टेक 38 मिनट्स। ऑफकोर्स आपको डिटेल में फिर वहाँ पे स्टॉप भी दिख जाएंगे। और मरीन प्लांट्स पे मुझे चेंज करना है, मैं S8 से उतरूंगा और U6 में बैठूंगा, U6 टूवर्ड्स गार्शिंग फोर्शुंग जेंट्रूंग। अगर आप देखें तो 722 पे मरीन प्लांट्स पे अपनी S8 पहुंचेगी और 724 पे U6 स्टार्ट होने वाली है। देखा जाए तो सिर्फ 2 मिनट का ही डिफरेंस है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये पॉसिबल होता है कि आप इजीली ट्रेन एक्सेस कर ले कनेक्टिंग ट्रेन, बट अगर नहीं भी रही तो बेसिकली आपको ये भी दिख जाएगा कि ये सेम ट्रेन या कनेक्शन आपको 23 मिनट्स में भी अवेलेबल है या फिर 25 मिनट्स में भी अवेलेबल है, और जो आपको 2 स्टॉप में यूनिवर्सिटी पहुंचा देगी। और इसी के साथ इनका एक खुद का एप्लीकेशन भी है, MVG एप्लीकेशन। जैसे मैंने आपको बताया था MVG एक सर्विस प्रोवाइडर है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने अपना सोर्स डाल दिया है फ्रॉम और टू, मैंने अभी एक दूसरा लोकेशन लिखा है जेंडलिंगटो। आप चाहे तो आप यहाँ पे अपना डिपार्चर टाइम भी डाल सकते हैं, एंड ऑफकोर्स आपकी डेट भी डाल सकते हैं कि आप कौन से डेट पे ट्रैवल करने वाले हैं। मैंने किया गो और मुझे अभी वो दिखाएगा मल्टीपल ऑप्शंस। सो देखिए मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है। एक तो मैं S-Bahn प्लस U-Bahn कनेक्शन भी ले सकता हूँ, जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले देखा, या फिर S-Bahn से मैं वॉक करके भी जा सकता हूँ 12 मिनट, या फिर बस भी है डायरेक्टली फ्रॉम एयरपोर्ट, एक्सप्रेस बस जो मैंने पहले बताया था जो एक स्टॉप पे उतारेगी वहाँ से आपको यू कनेक्शन लेना है। समझ लो मुझे लेस ड्यूरेशन चाहिए तो मैंने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया। एयरपोर्ट से बैठूंगा S8 में टूवर्ड्स हेरशिंग डायरेक्शन, जो मरीन प्लांट्स पे रुकेगी, और मरीन प्लांट से मैं U6 लूंगा टूवर्ड हारास डायरेक्शन, जो मैं जेंडिंग टोर उतरूंगा। अगर मैं बेसिकली इसको ओपन करूँ तो मुझे दिख जाएगा कि बीच बीच में कौन से स्टॉप्स है। अगर आप देखें कि जैसे ये ट्रेन 7:06 पे एयरपोर्ट विजिटर्स पार्क रुकेगी, जहाँ से मेरे S-Bahn तो ऑफकोर्स ऑप्शन है, प्लस बस का भी ऑप्शन है। तो आपको एडिशनली ये दिखेगा कि कौन से स्टॉप पे और कौन से पॉसिबल ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे कि 7:38 पे ईस्ट ट्रेन स्टेशन पहुंचेगी म्यूनिक, जहाँ पे आपको अंडरग्राउंड ट्रेन प्लस ट्राम दोनों एक्सेसिबल है। और जो आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं ग्रीन या फिर रेड कलर, ग्रीन यानी ट्रेन टाइम पे है, रेड यानी ट्रेन डिलेड है। तो इस प्रकार आप म्यूनिक में या फिर जर्मनी में लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी और सिटी में हैं तो ऑफकोर्स वहाँ का अपना खुद का एक एप्लीकेशन हो सकता है, पर जो इंफॉर्मेशन बोर्ड मैंने पहले बताया वो आपको हर स्टेशन पे एक्सेसिबल रहेगा। तो अगर आपके पास एप्लीकेशन नहीं है, आपको इंफॉर्मेशन नहीं है कि कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करनी चाहिए, तो आप आइदर गूगल मैप यूज़ कर सकते हैं या फिर जो इंफॉर्मेशन बोर्ड पे है ओल्ड फैशन वे से आप विदाउट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए हुए भी पॉइंट ए से पॉइंट बी जा सकते हैं।